एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल लिली ब्लॉग। फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? मैं भी अच्छी हूँ। देखिए, मेरा नहाना धोना हो गया तो बाल एकदम से गीला हो गया। और आप लोग कैसे हैं तो बताइए। मैं भी अच्छी तो हो गई। और अभी मैं नहा के पूजा करके उठी हूँ और आप लोग के साथ मैं बात करूँ। सुबह सुबह ही मैं ब्लॉग स्टार्ट कर दी हूँ। जो बाल धोने वाला मैं एक वीडियो बनाई थी और अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ। और बाल को मैं जल्दी ही सुखाऊंगी ड्रायर से। मैं कैसे सुखाती हूँ, जल्दी नहीं सुखाऊंगी तो अभी तो फीवर हुआ था ना, तबीयत सही नहीं था, इसीलिए मैं बाल को पहले सुखा लेती हूँ। उसके बाद मुझे और भी काम करना है। बेटी ने जो टिफिन बना दी है वो हेल्प कर रही है। आजकल क्या करें। और ससुर जी का काम करते करते मुझे 9 बज जाता है, 9:30 बज जाता है, तो सब कुछ काम करना पड़ता है। लोग ऊपर से तना देते हैं आके, कल लोग बहुत तना दिए हैं तो उनको भी समझना चाहिए, इतना तना भी नहीं देना चाहिए। सबकी घर में है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन हमारी घर में इतना तना देते हैं, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। तो फ्रेंड्स, आप लोग आगे क्या क्या मैं वीडियो बना सकती हूँ, क्या क्या बना सकती हूँ आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। चलिए, मैं बाल को मैं पहले जो ड्राई कर लेती हूँ। तो ये ना गुरुवार दिन का वीडियो है, और जो हेयर वॉश वाला तो वीडियो में डाली थी शुक्रवार को, और ये तो शनिवार दिन कल सुबह हो जाएगा। तो अब मैं उसी दिन ज़्यादा लॉन्ग हो जाता ना, इसीलिए मैं नहीं डाली शुक्रवार दिन के। तो देखिए, हेयर को मैं अच्छी तरह से जो हेयर ड्रायर में ड्राई कर रही हूँ। हेयर ड्राई नहीं करूँगी ना, मेरा तबीयत तो अभी भी ठीक से सही नहीं है ना, वेट रहेगा तो ख़राब होगा, इसीलिए। तो देखिए, मैं ड्रायर से ड्राई कर रही थी और मैं बीच में जो मेरा कंघी वाला जो हेयर स्ट्रेटनर है उसको मैं लेकर आई और उसको मैं उसको पहले हीट करूँगी। हीट करने के बाद मैं हेयर को थोड़ा सा स्ट्रेट करूँगी। तो मैं उसको चार्जर पे लगा रही हूँ। देखिए, उसको जो हेयर जो कंघी वाला हेयर ड्रायर की मैं जो कॉर्ड लगाई और उसमें एक लीड आता है, लाइट आता है, और लाइट को मैं चेक कर रही थी। हाँ, चेक वो हो गया तो मैं दिखा रही है आपको। देखिए, और फ्रेंड्स, वो ना वीडियो शनिवार दिन को जाएगा, तो आप मत सोचिएगा वो शुक्रवार दिन का वीडियो है, वो गुरुवार दिन का वीडियो भी। गुरुवार दिन तो हम प्याज लहसुन नहीं, अभी तो नहीं खाते हैं, गुरुवार दिन तो नहीं खाते हैं, लेकिन अभी जो सावन का महीना चल रहा है ना, इसीलिए प्याज लहसुन और नॉनवेज टोटल ही नहीं खाते हैं। तो मैं थोड़ा थोड़ा ऐसे स्ट्रेटनिंग कर लेती हूँ, ऐसे वीक में एक बार करती हूँ। और चलिए आगे बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, आप लोग देखिएगा। हे एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल लिली ब्लॉग। फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? मैं तो पूरा चंगा हो गई, आज बाल भी धो ली और मुझे अच्छा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है। आप लोग कैसे तो बताइएगा, मैं तो बहुत अच्छी हो गई। और फ्रेंड, जो मेरे चैनल पर न्यू विजिट तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और ऑल बटन के साथ सब्सक्राइब कीजिएगा। और देखिए, आज ओ सॉरी, मैं आज मॉडलर बन गई। देखिए, और जो अनमेरिड लेडीज़ का जो साड़ी होता है, और जो फ्रिल वाला साड़ी, देखिए वो फ्रिल वाला साड़ी है, फ्रिल है, देखिए उसी साड़ी को पहन कर मैं कैसे लग रहा हूँ वो तो बताइए, मैं कैसे लग रहा हूँ वो बताइए। देखिए, और बाल छोड़ दी एक साइड में, क्लिप लगा ली, और कैसे लग रही हूँ बताइए। और मैं इसके साथ हैंकी टॉप भी करूँगी। तो आज दो हैंकी, मैं दो हैंकी के साथ मैं हैंकी टॉप करूँगी, इस फ्रिल साड़ी से, इस मॉडलर साड़ी से। देखिए, मैं एक को रख देती हूँ, दो से मैं करूँगी। देखिए, मैं ना जब कहीं जाऊंगी तो अच्छे वाला लेके आऊंगी, आप लोगों का भी मैं फरमाइश पूरा करूंगी, और लो वेस्ट वाला साड़ी भी मैं पहन के दिखाऊंगी। कैसा लग रहा है बताइए, साड़ी कैसा लग रहा है बताइए, मुझ पर कैसे जच रही है वो भी बताइए। देखिए, एकदम सिंपल सा मैं कर रही हूँ।
मैं दो लगा के कर रही करती हूँ। देखिए दो लगा लिया फिर भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। गर्मी तो बहुत हो रहा है, बारिश अभी थोड़ा थोड़ा धूप निकला ना इसीलिए। और एक मैं दिखाती हूँ, देखिए इस टाइप के लॉन्ग ऐसे करती हूँ। तीन टाइप का हुआ। और आज मैं साग भी, जो लाल साग है लाल साग फ्राई करूंगी, और सुबह का भी कुछ क्लिप्स मैं यहाँ डाल दूंगी। और छोटा करती हूँ, छोटा करके मैं देती हूँ। फ्रेंड्स मैं सबका जो जो सब आप बोले हैं ना वीडियो रिक्वेस्ट किया, मैं वो सब करूँगी। नोज ब्लोइंग वाला भी करूँगी, वो हेयर पुलिंग सब कुछ मैं करूँगी धीरे धीरे से। लेकिन थोड़ा मेरा तबीयत खराब था ना, इसीलिए मैं नहीं कर रही थी, ऐसे सिंपल कर रही थी, ऐसे ब्लॉग वाला कर रही थी। ब्लॉग के साथ साथ बीच बीच में वो भी मैं डालूँगी, आप टेंशन ना लो जी, मैं करूँगी। और हैंकी तो मुझे हैंकी का प्रॉब्लम है, यहाँ हमारा किसी भी शॉप पे जाओ नहीं मिल रहा है। मैं कहीं बाहर जाऊँगी तो लेके आऊँगी। अब भावना जी आप बोल रहे थे मैं भेज दूँगी, ले लीजिए, हमारा यहाँ हर टाइप का मिल रहा है तो भेज दीजिएगा भावना जी, मेरे यहाँ उड़ीसा में भेज दीजिए, मुझे आएगा। और चलिए मैं साग भाजी बनाऊँगी, और जो लाल साग की भाजी भी बनाऊँगी इसी साइड से बनाऊँगी। ठीक है मैं बनाती हूँ, चलिए आप लोग देखिएगा। देखिए जी मैंने दाल बना ली, दाल और जो हमारा पत्ता गोभी की करी भी बना ली, और भाजी बना दी थी, और जो काकड़ आलू सब मिला के भाजी बना दी थी, और लाल साग मैं फ्राई करूँगी। पहले इस साग को मैं फ्राई करती हूँ, दिखा देती हूँ। अच्छा देखिए मैं क्या करूँ ना, जो कढ़ाई में तेल फुटन और मिर्ची के साथ ही करूँगी, अभी तो प्याज लहसुन नहीं खाते हैं ना इसीलिए। और उसके बाद मैं ससुर जी को खाने के लिए दूँगी। और वो ना जो भाजी के साग में डाल रही थी वो वाला क्लिप थोड़ा सा ख़राब हो गया था, नहीं दिखा भाई सॉरी। देखिए ससुर जी को साग भात और सब्जी सब देके मैं लेकर जा रही हूँ पहले। ओके फ्रेंड मैं तो साग भाजी बनाई, और मैं क्या क्या बनाई आप लोगों को दिखा दी। मैं अभी रखती हूँ, अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।